गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? काफी लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई अगला वीडियो कब आएगा स्टॉप हंटिंग से रिलेटेड। तो एक ऐसा सेटअप बन गया था, मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला और वो सेटअप रेडी हो चुका था मुझे वो एक लेटेस्ट एग्जांपल समझाने के लिए। और आज के सेशन में छोटा ही वीडियो से ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है पैरेलल में कैसे चलने चाहिए। अगर एक भी इसमें अटक जाता है तो फिर ये किसका नुकसान है, फिर इस कंडीशन पे हम कैसे करेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है ऐसे पैरेलली काम करने चाहिए, वरना हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। कैसे मुसीबत हो जाएगी? देखिए, पहले सेटअप देखते हैं कि क्या था, क्या ये सेल का सेटअप था या नहीं था। पहले ये देखते हैं, यहां पर बायर्स थे, यहां पे भी बायर्स थे, ये समझ रहे हैं हम नीचे की तरफ बायर्स थे, यहां बायर्स थे। अब ये समझ रहे हैं बायर्स नीचे हैं, ऊपर कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है। तो पहले कैंडल के जो पहला कैंडल है उसका ब्रेकआउट हुआ, हमारे लिए सेल कंडीशंस क्रिएट हो गए, करेक्ट। अब हम क्या कंफर्म कर रहे हैं कि क्या बैंक निफ्टी जो निफ्टी है उसमें भी सेल कंडीशन अराइज हुई है? डेफिनेटली हुई है। आप देख सकते हो कि इसमें भी सेल पोजीशन हुई है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, बैंक निफ्टी क्या हो गया, इसने होल्ड करना शुरू कर दिया और निफ्टी अपनी आधी दूरी तय कर चुका था, ठीक है। अब क्या है, देखो दोस्तों, ऐसा इतना इजी भी नहीं है कि आप पहले कैंडल का ब्रेकआउट नहीं है, ऊपर एसएल नहीं है तो आप एकदम शॉर्ट कर दोगे। ये शॉर्ट सेटअप तो बना था, लेकिन जब आपको हर दिन नए नए जो सिचुएशंस आएंगे, अब उनको हैंडल करने की बारी आएगी, तो हर सिचुएशन के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। बैंक निफ्टी को मैं सुबह से ही स्ट्रांग समझ रहा था। रीजन ये था कि बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुला था, वहां से शॉर्ट पोजीशन आई थी। कुछ सेलर्स, जितने सेलर्स थे यहां पर लास्ट मोमेंट पर जिन्होंने सेल किया होगा, यहां से बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया अपसाइड, ठीक है, अच्छा मूवमेंट दिखाया अपसाइड। और बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट तो दिखाया, उसके बाद बैंक निफ्टी मूवमेंट दिखाने के बाद यहां पर होल्ड करना शुरू कर दिया। एक अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद आप देख रहे हो यहाँ कंटिन्यूअस मूवमेंट आई है, कंटिन्यूअस मूवमेंट आई यहाँ पे। एक पोजीशन के बाद आप देख रहे हो ऊपर कोई एसएल नहीं थे, तो हमारा जो बायस था वो क्या था, शॉर्ट पे जाने का। जब निफ्टी नीचे जा रहा था तो बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था, निफ्टी नीचे जा रहा था, बैंक निफ्टी ऐसे होल्ड कर रहा था। अब हमारे पास एक क्या चीज है, हमारे पास एक चीज, हमें कंफर्मेशन हो गई कि जो ये सेल साइड की ट्रेड है अब ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करने वाली है। अच्छा, एक चीज यहीं पर और समझ लेते हैं। ये जो इसका लो टूटा था, हम क्या करते हैं जब डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है तो क्या करते हैं, हमेशा प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुक क्यों करते हैं? क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकडाउन का मतलब हम जब बाई बाई पोजिशन बनाते हैं तो हम एक तरह से प्रिकॉशनरी, अगर हमारा जो इतने में ही अपना प्रॉफिट बुक हो जा रहा है तो यहां से हम एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं। क्यों एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो गया, हो सकता है एक रिवर्सल आए, ठीक है। अगर ये रिवर्सल सस्टेन नहीं करता है तो इसका भी ब्रेकडाउन होगा और मार्केट क्या करेगा, इसका ब्रेकडाउन दिखा के फिर सेलर को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये मार्केट की जनरल साइकोलॉजी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब एक चीज देखेंगे आप, मार्केट में जो अप ट्रेंड शुरू हुआ था ना, अप ट्रेंड करीब करीब आप सोचो, एक बड़ा बायर्स जिनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा इस वक्त मार्केट में, यहां बैठा है, ठीक है। तो मार्केट में यहां बैठा है, अगर यहां से आप फिबोनाची लगाओगे तो मार्केट करीब करीब उनका 50% उनका प्रॉफिट उनका कंज्यूम कर चुका है। तो एक
कंडीशन ये आ गई थी कि यहाँ पे मार्केट इनका भी एसएल लेके, जो यहाँ पे एसएल से यहाँ न्यूट्रलाइज कर दिया, इनको तो ये आउट कर चुका है मार्केट से, जो यहाँ था। एटलीस्ट मार्केट ने क्या किया, इनको यहाँ से आउट कर दिया। आप देख रहे हो 60% मार्केट आ चुका है। तो हम ये मानते हैं कि अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो पुराने वीडियोज देखे, तो हम ये मानते हैं कि अगर यहाँ से 60% मार्केट नीचे आ गया तो ये यहाँ से बाहर जा चुका होता है। तो यहाँ एक बाइंग कंडीशन इस केस पे यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। यहां से ना होके यहां तो हम प्रिकॉशनरी हमने अपने प्रॉफिट बुक किया था। यहां आते ही दो चीजें हो गई थी। अब अगर गैप के कॉन्सेप्ट से समझते हो, ये गैप भी फिल हो गया, ये समझ लीजिए। और अगर बायर और सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से जो सेलर, जो बायर था यहाँ पे, जिनके एसएल थे, उनका प्रॉफिट कम करके हम ये मान के चल रहे हैं आपकी यहाँ से बायर जा चुका है, तो एक रिवर्सल हम देख रहे थे, ठीक है। और तब तक मार्केट में क्या था, जो निफ्टी था वो अपने इंपोर्टेंट लेवल को होल्ड कर रहा था। तो यहां भी समझते हैं, अगर आप देखो यहां से क्लोजिंग लेके अगर इसमें भी फिबोनाची लगाओगे, तो यहां पे इस पॉइंट पे करीब, एक मिनट, करीब ये क्या टाइम हो रहा है, 10 बजे तक, 10 बजे तक, करीब करीब 10 बजे तक मार्केट क्या कर रहा है, 10 बजे तक हल्का सा यहाँ रिवर्सल दिखाने के, और उसके बाद कभी कभी इस लेवल से कभी भी मार्केट नीचे नहीं आया। तो ये अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि मैं नहीं गिरने के लिए रेडी हूं, ठीक है। अब आज के पॉइंट पॉइंट पर आते हैं कि अब हम क्या कर सकते थे। पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि हम क्या कर सकते थे, फिर समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा था, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, यहां पे क्या हो रही थी, जो स्ट्रांग है, जो ये इंडेक्स स्ट्रांग है, आप बाई कीजिए उसको। ये प्राइस कंप्रेस हो रहा था, प्राइस ऐसे कंप्रेस हो रहा था, तो एक ब्रेकआउट आना था, इसमें तय था। और हम ये समझ चुके थे कि निफ्टी में लोग सेल कर रहे हैं, कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं, तो बायर के स्टॉप लॉसेस क्या हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। आप समझ रहे हो, आप ये बात को समझ रहे हो, क्योंकि निफ्टी ने ऐसा सेंटिमेंट बनाया था, निफ्टी ने ऐसा सेंटिमेंट बनाया था कि मार्केट में क्या हो रहा है, सेलिंग चल रही है, हर हर बाई पे सेल चल रहा है। तो यहां पे जो है सेलर्स के यहां पे एसएल बनाते हुए मार्केट गया। तो जब मार्केट इस पॉइंट पे इनका प्रॉफिट अपना निल कर चुका होगा, इनका प्रॉफिट भी आधा कर चुका होगा, जब उसने रिवर्स गियर में शुरू किया, तो दोनों का एक साथ ब्रेकआउट हुआ है, और ये प्राइस भी कंप्रेस कर रहा था। अगर आप पैटर्न को रीड करो तो वैसे भी आप समझ सकते हो। और दूसरी चीज क्या थी, जो स्ट्रांग है ऑलरेडी, मैंने उस पर बाई किया था, ठीक है। जो स्ट्रांग है ऑलरेडी, उसको मैंने बाई किया था। अब इससे जरूरी पॉइंट यह नहीं है कि आपने इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर कर दिया, उससे बड़ा पॉइंट जो ये वीडियो बनाने का आज ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि निफ्टी तो डाउन जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी क्यों नहीं जा रहा है। दोस्तों, इसके पीछे एक सिंपल साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है, जब भी एक रिटेलर ना, रिटेलर क्या सोचता है, अगर जो चीज सस्ती मिल रही है तो उसको लेने की कोशिश करता है। मान लो यहां पे आप यहां बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाना चाहते हो, बैंक निफ्टी यहीं पे है, निफ्टी बहुत आगे बढ़ चुका है, निफ्टी काफी डाउन चला गया था, यहां चला गया था, और निफ्टी अब बैंक निफ्टी अभी भी क्या है, यहां पे होल्ड कर रहा था। तो आप निफ्टी में अपनी पोजीशन बनाना चाह रहे थे, बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशन बनाना चाह रहे थे, सेल करना चाह रहे थे। अब जब इसे आप सेल कर रहे थे ना, तो बार बार उनको सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जा रहे थे ऊपर, फिर सेल किया फिर अवेलेबल हो गए, फिर सेल किया फिर अवेलेबल हो गए, क्योंकि लोग ये चाह रहे थे कि किसी तरह से मैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में परचेज करूं, और निफ्टी में भी अगर कोई मूवमेंट आती है तो बैंक निफ्टी मुझे एक अच्छा मूव दे देगा। जनरल साइकोलॉजी ये होती है। इसलिए जब भी कोई इंडेक्स फंस रहा है, एक इंडेक्स अच्छा मूव कर रहा है,
एक इंडेक्स काफी अच्छा मूव कर रहा है और दूसरा इंडेक्स फंस रहा है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि मान लो निफ्टी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अब लोगों ने बैंक निफ्टी में बाइंग ऑर्डर्स डालने शुरू किए और वो बार बार उनके स्टॉप लॉसेज खा रहा है, बार बार उनके स्टॉप लॉसेज, क्योंकि यहाँ बाय ऑर्डर डालने, लोग सोच रहे हैं मैं लोअर लेवल पे बैंक निफ्टी में खरीदूंगा, अच्छी मूव आएगी, मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो ये जनरल बात है, ठीक है, और ये हमेशा होता है। इसलिए मेरा जो पॉइंट है आज का, कि जब भी आप ट्रेड करो, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि बैंक निफ्टी में अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब डायरेक्ट ब्रेकआउट हो चुका है, तो हमको सेल ही करना है, हमको अपनी पोजीशन यहां से रिवर्स भी करनी पड़ सकती है। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड कर रहा था, बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा था, और ये भी अपने बायस जिसके इसके स्टॉप लॉसेज यहाँ पे आपको मैंने फिबोनाची लगा के दिखाया था, यहां से ही इनका जो स्टॉप लॉसेज थे इनके भी लगभग प्रॉफिट आधे हो चुके थे। तो अब मार्केट की एक अच्छी मूवमेंट मूवमेंट आ सकती थी ऊपर की तरफ, मतलब एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था। मतलब ये था कि मार्केट अगर यहां से मूव करता है तो हमें एक बहुत ही फेयर प्राइस अब मिलने वाली है और एक अच्छे मूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में हर पॉइंट पे सेलिंग हुई थी और सेलिंग करके निफ्टी में काफी यहाँ पे स्टॉप लॉसेज अवेलेबल हो चुके थे, और इसलिए निफ्टी में एक अच्छी, और निफ्टी का ये जो मूवमेंट थी वो बैंक निफ्टी के लिए ट्रिगर साबित हुई, इसलिए बैंक निफ्टी में क्या होगा, एक अच्छी पोजीशन बन गई। ठीक है, अब हो सकता है आपको ये बातें, ये बात समझ आ गई होगी कि वो पोजीशन क्यों बनाई। अब यहां पे देख लो, अब एक चीज आपको क्लियरली ये चीज समझ आ रही होगी। अब एक दिन और पीछे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और समझाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग, ये ऊपर कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है, बायर के स्टॉप लॉसेज नीचे हैं, बायर जो भी हैं उनके स्टॉप लॉसेज नीचे हैं। एक बात आपको समझनी होगी, ये बात हमेशा क्लियरली डिफाइंड है कि अगर ये जो गैप है ना, अब देख रहे हो कि ये गैप 200-300 का गैप है, ये पावर ऑफ स्टॉक उनका भी कॉन्सेप्ट है कि जब गैप इतना बड़ा होना, एक प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। अब प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है, ये तो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से समझ रहे हैं। अब एक चीज, यहाँ पे बायर और सेलर होते हैं, आपको पता ही है बायर और सेलर्स होते हैं, तो क्या इनके स्टॉप लॉसेज यहां से चले गए होंगे? क्या फिबोनाची लगा के हम देख सकते हैं क्या? करीब 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 करीब, क्योंकि जिसने इतना बड़ा गैप लिया होगा, जिसने अब सोचने वाली बात है कि जिसने इतना बड़ा गैप मिलने के बाद, आप देखिए ओवरनाइट आप पोजीशन लेते हो, आपको 300 पॉइंट का ऑलरेडी बेनिफिट हो रहा था, तो क्यों आप लूज करना चाहोगे उसे? ठीक है, तो ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, प्रॉफिट बुक हो सकता है यहाँ पे। अब क्या हुआ, मार्केट में हम बाय पोजीशन के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, रीजन दूसरा रीजन क्या है, एक साइकोलॉजी पॉइंट है यहाँ पे 35,900 का, और ये एक परफेक्ट बाइंग कंडीशन है, परफेक्ट बाइंग कंडीशन है। इस दिन निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी में क्या सेम सेटअप बना था, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, क्या निफ्टी इस जो ये सेटअप बना था मार्केट में, तो क्या उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो? आप इसको देखोगे जो ये रेड कैंडल बनी है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, तो यहां भी प्रॉफिट बुकिंग आई और इसने भी नीचे लो नहीं ब्रेक किया। अगर ये लो ब्रेक कर देता तो और अच्छा सेटअप हो जाता, इसमें भी एक अच्छी उम्मीद कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी इसमें भी एक गैप बहुत बड़ा क्रिएट हो गया था। इसमें भी आप देखोगे तो कितने पॉइंट का ये गैप हो चुका है, तो गैप भी एक चीज मायने रखती है आप लोगों के लिए, कि यहाँ पर 231 का अगर इतना बड़ा गैप आपको मिल रहा है, इतनी प्रॉफिट बुकिंग आनी जायज है, क्या इतने इतना नीचे ये एसएल हंट करने आ सकता है मार्केट? नहीं आ सकता। इसलिए
इसीलिए जो हमारा जो बाइंग का सेटअप था वो जस्टिफाई होता है, इसलिए बाइंग का सेटअप जस्टिफाई होता है। हमें एक्चुअली जस्टिफाई करना है पॉइंट्स को, तो हमें बहुत सारे ट्रिगर्स मिलाने हैं आपस में। सिर्फ ये नहीं है कि मार्केट में हम लोगों को क्या है, सिर्फ बाइंग ही करनी है, सिर्फ मतलब एक सेटअप को पकड़ के जो आपको सेटअप्स दे रहे हैं मार्केट में स्टॉक हंटिंग से रिलेटेड, रोज नए पोजीशंस आ रही हैं। अगर आप किसी एक सेटअप को फॉलो करना शुरू कर दोगे, सबसे डिफिकल्ट काम है मार्केट की साइकोलॉजी रीड करनी। आपको कई बार गलत होंगे, कई बार सही होंगे, तो आप अपने एग्जिस्टिंग सेटअप को मत छोड़ो। जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये मार्केट में काम कर रहा है कि आप फिबोनाची लगा लो, 50% आएगा तो यहां से ले लो, ये कर लो वो कर लो, तो ठीक है, उनका आप उनका समझ आ रहा है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। देखो उनका क्या कहना है, देखो जो वो लोग क्या कह रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन हुआ है, मेरी ट्रैपिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, मेरी ट्रैपिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग क्या है जो मैं ट्रैप होता है उसके हिसाब से सोचता हूँ, उसमें क्या क्या सोचता हूँ। इतने लोग बाय करके गए होंगे, इतने लोग बाय करके गए होंगे, और पहली जो कैंडल बनी है ना, पहली कैंडल बनी है वो बायर्स को कहीं से भी निराश नहीं होने दिया। एक चीज ये हो सकता था कि जैसे ही मार्केट यहाँ यहाँ पे ओपन हुआ है, अगर ये रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो गई होती ना, ये तो हमारे लिए दिक्कत वाला काम था फिर, ठीक है। तो ये समझ सकते थे कि ये लोग पैनिक में हैं। तो यहाँ के पहले कैंडल से मार्केट में कहीं से नहीं लगा कि ये जो बायर्स यहाँ पर गैप डाउन की वजह से ये लोग पैनिक में हैं। दूसरी बात, अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस से मार्केट में बहुत नीचे तक है ही नहीं, तो इतने स्टॉप लॉस से इनके ब्रेक करने मार्केट जाएगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बायर और सेलर के स्टॉप लॉसेज होते हैं, पहला टारगेट यही होना चाहिए। तो आप देखोगे, अगर आप ऐसे ऐसे सोचोगे कि इनको यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो गया मैं शॉर्ट जाऊंगा, तो आप कैसे जा सकते हो। अगर आप देखोगे ऐसे देखोगे तो आपका पूरा सेटअप ही फेल हो जाएगा। अब आपको ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है कि आप मार्केट यहाँ इतना ट्रेवल कर सकता है क्या। अगर नहीं कर सकता है, तो फिर आपको फिर से वापस स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। आप देखोगे अगर बायर की मतलब इतने इतने गैप डाउन के बाद भी मार्केट में जो स्ट्रेंथ देखोगे, अगर जो बायर्स की यहां से अगर फिबोनाची लगाओगे तो ये 50% से ऊपर ही रहा है। तो इसलिए ये पूरी उम्मीद है कि मार्केट अभी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं हुआ है, क्योंकि इन लोगों का अच्छा सा प्रॉफिट पहले से हुआ है, तो ये अभी भी पैनिक में नहीं है। और इस जो ये व्हाइट कैंडल बनी हुई है, जो ये रेड ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इसके बाद तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये बातें हैं इस, तो ये जो ये बोल रहा है आपको कि हर सेटअप आपको चल जाना है, हर सेटअप आपके हिसाब से चल जाएगा, यहां पे देखते हैं यहां पे क्या हुआ। यहाँ पे मार्केट में ना ऊपर कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है, जितने स्टॉप लॉसेज हैं यहाँ पे, और ये गैप छोटा है, समझ रहे हो, ये गैप छोटा है। लेकिन ये गैप फिल क्यों नहीं हुआ। अगर इस गैप को मेजर कर देते हैं हम, कितना पॉइंट का यहाँ पे मॉर्निंग में फायदा हुआ होगा, 277, फिर ये 277 का इनको फायदा हुआ, 277 का इनको प्रॉफिट होने के बाद मार्केट में क्या है, क्या ये लोग वेट करेंगे, नहीं करेंगे। तो थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई है। अब एक देख लेते हैं कि यहाँ पे एक और क्या चीज थी मार्केट में, एक साइकोलॉजिकल लेवल था, जो मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल था। लेकिन एक चीज आपको ये बिल्कुल समझ आ रही होगी कि मार्केट में अगर आप यहां से एक डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है, ऊपर कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है, तो ये देख सकते हो कि आप यहां तक एक ट्रेड ले सकते हो। ये वैलिड सेटअप है, ये वैलिड सेटअप है, ठीक है। मिनिमम टारगेट आपका ये होता है, पर जब तक एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ना हो ना, तो मजा नहीं आता। क्योंकि अब देखोगे आप यहां से यहां मेजर करोगे, यहां से यहां मेजर करोगे, तो
तो इससे आपको एक चीज, रुके, इस बात, इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं कि क्यों ये बायर इतना गैप अप होने के बाद क्यों ये बायर्स जो है वो अपना प्रॉफिट लूज नहीं करना चाहेगा। तो इनके प्रॉफिट को कम करने के लिए मार्केट ने क्या किया है, इनके प्रॉफिट को कम करने के लिए मार्केट ने क्या किया है, ऑलरेडी एक मूव दिखाई है 60 तक, 0.60। अब हम ये समझ रहे हैं कि जब तक मार्केट 0.6 तक आता है तो ये अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये मान चुके हैं कि ये जोन न्यूट्रलाइज हो गया। अब मार्केट में जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर क्रिएट हो गए, अब जैसे ये मार्केट अपना इनका जोन न्यूट्रलाइज कर देगा, एक पोजीशन बनती है यहाँ पे अपसाइड के लिए, एक मूवमेंट बन जाती है यहाँ पे कि मार्केट अपसाइड को एक मूवमेंट देगा। तो कुछ भी श्योर नहीं है मार्केट में, कुछ भी श्योर नहीं है। अब सिर्फ हम ये सोच लें कि गैप अप स्ट्रेटजी हम लगा लेते हैं, गैप अप स्ट्रेटजी लगा लेते हैं कि ऐसे मार्केट मूव करेगा, ऐसे मार्केट मूव करेगा, तो फिर मैं ये नहीं मानता कि ऐसे ही मार्केट मतलब मूव करने वाला है, हमारे अकॉर्डिंग मूव करने वाला है, ये बहुत मुश्किल काम है ना। तो एक एक बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। और तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं कि मार्केट ना अपने पैटर्न को भी रिपीट नहीं करता। मतलब मार्केट, अगर अगर मार्केट देखोगे आप कि गैप अप हुआ, रेड कैंडल देखोगे आप मार्केट में, मुझे अगर एग्जांपल दिखता है यहां पे तो मैं ऐड करूंगा। तो देखिए मार्केट में मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी पैटर्न मार्केट का है ना वो रिपीट नहीं करता। जैसे देख रहे हो आप गैप अप हुआ है मार्केट और एक उसने क्या है व्हाइट कैंडल बनाई है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे बार देख रहे हो आप कि गैप अप हुआ है और मार्केट क्या है एक फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाई है। सेम सेटअप है दोनों, ठीक है। यहां पर सेटअप है, अब मैं दिखा रहा हूं दोनों को। क्यों दिखाना चाह रहा हूं कि मार्केट में ना एक सेंटिमेंट बनाने के लिए, सेंटिमेंट बनाने के लिए हम ये सब यूज कर सकते हैं। और सेम सेटअप लास्ट टाइम जब यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया था तो हम एक्सपेक्ट, पहला बायस हो सकता था हमारा, एक सेंटिमेंट हो सकता था कि मार्केट इस बार अप जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था यहाँ पे, साइकोलॉजिकल लेवल था तो हम वेट कर सकते थे, ठीक है। तीसरी बात क्या था, आपको ये पॉइंट तो समझ आ गया ना कि आप ये चीज बैक टेस्ट कीजिएगा, यहां पर एक ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल आने के बाद मार्केट नीचे आया था। अब मार्केट में ये परसेप्शन बनाते हैं लोग कि मार्केट में हिस्ट्री तो रिपीट होती है लेकिन पैटर्न जो चार्ट होता है वो रिपीट नहीं होता। तो चार्ट रिपीट नहीं होता का मतलब ये चार्ट डाउन ट्रेंड ले गया, वही सेम कंडीशन, इस सेम कंडीशन पे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल था वो मार्केट को ऊपर ले गया और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल था वो मार्केट को नीचे ले आया था। तो ये बात समझने वाली है, ठीक है। अब जब इसको बैक टेस्ट करते जाओगे तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स आपको मिलेंगे, तो ये आपको एक मार्केट का सेंटिमेंट बनाने के लिए आपको क्या करेंगे, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो एक बायस बन गया था। तो क्या सिर्फ इतने से हम ट्रेड ले लेंगे तो हमारे एंट्री पॉइंट का क्या होगा? तो हम एक चीज समझ रहे हैं कि यहां से मार्केट जब यहाँ पे 30% जा चुका है, यहां से अगर इसको गैप समझो आप, एक गैप मिल चुका था उसको इस कैंडल पे, इस कैंडल के बाद उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था, तो वो वेट नहीं करेगा मार्केट के बहुत नीचे आने तक, वेट नहीं करेगा। हम ये मान के चल रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे भी आपकी एंट्री हो सकती है। तो अगर मॉर्निंग में आप चाहोगे तो आपकी एंट्री यहाँ हो सकती थी, अगर आपने वेट किया होता यहाँ एंट्री छूट गई होती, स्टॉप लॉस एंटिंग के हिसाब से तो एंट्री हो चुकी है, अगर छूट गई होती तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। अब ये कहानी है 18th ऑफ जुलाई, उस दिन देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा था, 18th को निफ्टी में क्या हो रहा था वो बात देख लेते हैं, फिर आप इस वीडियो को एंड करते हैं। और नई नई चीजें आप मार्केट में सर्च करोगे ना तभी आपको कुछ मिलने वाला है।
अदरवाइज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सा हो जाएगा पैसे कमाना। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये 18th का चार्ट है, इस चार्ट में भी आपको क्या दिख रहा है? क्या ऐसा हुआ था क्या? चार्ट पैटर्न सेम था क्या? पहले चार्ट पैटर्न देखते हैं एक बार। निफ्टी क्या हुआ था? गैप अप हुआ था और एक ग्रीन कैंडल बनाया था और मार्केट डाउन हुआ था, ठीक है? तो सेम चीज यहाँ पे हुई थी और अब यह हमारा सेंटिमेंट बन रहा था कि मार्केट में हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये सब साइकोलॉजी है, ठीक है? ऐसे पैटर्न बन रहे हैं, लेकिन श्योरिटी कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे ट्रिगर्स इसमें मिलाने हैं, सिर्फ आप फिबोनाची लगा के कोई भी चीज कर नहीं सकते हो। आपको ऑल ओवर एक अच्छे नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे एंट्री अपनी टिगर। अब आपको यहाँ से फिबोनाची लगा के दिखाते हैं। फिबोनाची लगा के जब दिखा रहे हैं तो आपको क्या है, मार्केट ऑलरेडी अपने क्या है, काफी ऊपर खुला है। अब समझ लीजिए इतना ऊपर खुलने के बाद ये बायर अपने आप को सेफ महसूस करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि अब ऊपर सेलर के डेफिनेटली स्टॉप लॉसेज नहीं है, लेकिन इनके हिसाब से देखो कि ये डिस्टेंस काफी हो गई है। अब इसको मेजर करके भी देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस काफी है क्या। निफ्टी में 140 से 45 पॉइंट्स बहुत होते हैं, तो कोई भी इंतजार नहीं करेगा यहाँ पे इनके प्रॉफिट को कम होने तक। अगर नीचे आएगा तो क्या होगा? नीचे आएगा तो इतना नीचे नहीं आ सकता। इसलिए नीचे नहीं आ सकता, होने को कुछ भी हो सकता है यार मार्केट में। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही, मतलब हम जो परसेप्शन बना रहे हैं, हम स्टोरी बना रहे हैं, ऐसे कहोगे यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है तो इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे सेल सेल का, क्योंकि ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है, ये मार्केट बन चुका है। आपको इसलिए ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना इजी लग रहा है, लेकिन अब जब आप देखोगे ना मार्केट में, अगर सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करोगे कि इसका डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो चुका है, मुझे मुझे सेल जाना चाहिए, तो आपको कई चीजें ध्यान रखनी है। नंबर एक, आपको ये देखना है कि कोई साइकोलॉजिकल पॉइंट तो नहीं है, कोई आपका ये जो गैप है वो कितना बड़ा गैप है। इस गैप से, यहाँ से आप फिबोनाची लगा लो, आपको गैप पता चल जाएगा कि मार्केट ऑलरेडी इतना गैप अप खुला है, यानी 0.3% ऊपर से, मतलब सिर्फ अब देखोगे तो यहाँ से मार्केट को यहाँ आना पड़ेगा इनके प्रॉफिट को कम करने के लिए। तो क्या इतनी बड़ी मूव पॉसिबल है? क्या इतनी बड़ी मूव यहाँ पे पॉसिबल थी? यहाँ पे इनका ऑलरेडी ये क्या कर चुका है, यहाँ पे इनका प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कम कर चुका है ये। यहाँ पे भी आओगे तो करीब करीब 1034 तक, 1034 पे देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो मार्केट ने तब तक क्या किया है, तब तक क्या कोई वीकनेस शो की है? यहां से ऊपर की तरफ लगाते हैं तो क्या मार्केट ने इस यहाँ पे 0.68 की एरिया को ब्रीच किया है, 0.6 एरिया को ब्रीच किया? नहीं। तो इसमें निफ्टी में ऑल ओवर एक स्ट्रेंथ है, ठीक है? तो जब पूरे प्राइजेक्शन को समझना शुरू कर दोगे ना, तो आप इसको समझ सकते हो। अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट काम है। डिफिकल्ट काम इसलिए है क्योंकि इतने चार्ट्स बन रहे हैं रेंडमली। इसमें आप इसमें देखिए, अब इस पे प्राइस नीचे क्यों आ गया, अब इस पे प्राइस नीचे क्यों आ गया? सो ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है, ठीक है? अब तो इसमें 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 तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ, तो फिर आप कैसे यहाँ पे पोजिशन बनाओगे? तो आपको हर चार्ट को रीड करना है, ठीक है? ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेंटिमेंट क्या चल रहा है यहाँ पे, डाउन ट्रेंड का चल रहा है और मार्केट हुआ है गैप अप, करेक्ट? और गैप अप मार्केट में हुआ है, लेकिन पहली कैंडल जो बनी है वो कौन सी बनी है, ये कौन सी कैंडल बनी है, कौन सी? बुलिश हैमर। तो बुलिश हैमर जो कैंडल बनी है ना, तो ये इसका मतलब है यहाँ पे बाइंग हुई है, तो डेफिनेटली पहले तो इन्हीं को न्यूट्रलाइज करेगा ये मार्केट, ठीक है? तो यहाँ से ये सेल इसलिए ट्रेड है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन भी है, यहाँ पे सेलर्स भी हैं और यहाँ पे इन ऊपर कोई स्टॉप लॉसेज भी नहीं है। कॉन्फ्लुएंस कब, कौन से कॉन्फ्लुएंस आपके लिए सुटेबल है? यहाँ पे नीचे जो बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉसेज होंगे, यहाँ से कम बायर्स के यहाँ पर तो होंगे, तो मार्केट कम से कम इनको तो आउट कर देगा यहाँ से,
यहाँ से देखोगे तो 0.6%, या यहाँ से देखोगे 0.6%। तो कम से कम यार इसका ये जो नीचे वाला 1 मिनट का जो नीचे कैंडल होता है, तो वो क्या होता है, क्या होता है, ये सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, वो सपोर्ट का काम करता है, तो यहाँ के आसपास भी मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ जानी चाहिए। ठीक है, अब ये वीडियो हो गया है काफी लंबा, और आप लोगों को ये जो अब देखो यही ये चीज कहानी, ये पैटर्न रिपीट हुआ कि नहीं हुआ मार्केट में? ऊपर कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है, क्यों? मार्केट ऑलरेडी इनके पैरेलल में खुला हुआ है, एक बुलिश मतलब यहाँ पे बाइंग हुई है, तो ये बाइंग को टेम्प्ट किया हुआ है ऑलरेडी। इनका स्टॉप लॉस तो खाना ही है मार्केट को, बाकी इस इनके स्टॉप लॉसेज कहाँ पड़े हुए हैं बायर और सेलर के, ये ऑल ओवर ट्रेंड मार्केट का डाउन है। तो मे भी क्या हो सकता है, मार्केट में हम एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं। इतना तो कंफर्म है कि मार्केट इनका ये जो ये बुलिश हैमर बना हुआ है, तो इनका स्टॉप लॉसेस तो ये खाने ही वाला है मार्केट। उसके बाद आगे क्या करेगा ये वक्त बताएगा कि इनका स्टॉप लॉस वो खाता है कि नहीं। इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, करीब करीब इस एरिया में आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें ना कोई भी ऐसा श्योर शॉट नहीं है कि मतलब कैसे आप इसमें, तो हम अगले वीडियो पे क्या क्या करेंगे, हम बात करेंगे पैनिक सेलिंग की, बात करेंगे कुछ सेटअप्स की। वो सेटअप्स मतलब कि कहाँ पे आप एक प्रॉपर एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, क्या चीज आप कैसे कॉन्फ्लुएंस को मिला सकते हो। वैसे तो मैंने आज बहुत सारी चीजें डिस्कशन की हैं आप लोगों के साथ कि कैसे एक कॉन्फ्लुएंस बनता है ट्रेडिंग में, कैसे आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग में इन चीजों को आप मिला सकते हो। जैसे आप कंटिन्यूअस देख रहे हो, तो इसमें भी देख रहे हो, तो इसमें भी क्या हो रहा है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पे एक क्या हो गया, बाई का सेटअप बन चुका है। स्टॉप लॉसेस क्या है, इस तरफ है। ठीक है, और ये कितना ऊपर तक जा सकता है, सिंपल सा, यहाँ से फिबोनाची लगाओ, यहाँ तक आओ, कम से कम ये तो मान के चलिए कि करीब करीब 50% या 60% तो मार्केट आता है, और वो अचीव भी हो जाएगा आपको। ठीक है, और कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, अगर इस लेवल का, ये जो आप सपोर्ट का काम कर रहा था, इसका लेवल का अगर ब्रेकआउट हो जाता है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन, डायरेक्ट का मतलब अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक हो रहा है तो ठीक है, अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है तो चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, ये आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं, वो कैसे कैसे बता चुका हूं। मान लो देखिए, मान लो कोई कोई लेवल जहां पर थोड़ा सा आप रेंज बाउंड टाइप का मार्केट होगा, जैसे ये देखिए, ये क्या है आपका, एक एक क्या है, यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखो सेटअप क्या बन रहा है, यहाँ डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है, ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ था, आपको अब देखो ये ब्रेकडाउन तो हुआ, आप इस कैंडल का वेट करोगे क्या? डेफिनेटली वेट करोगे, एक बार मार्केट फिर जाएगा उसको उनके स्टॉप लॉस एंड करने। तो ये बातें छोटी छोटी हैं, बहुत आपको ध्यान रख सकते हो इन सब चीजों का। मैंने क्या चीज बताई, मैंने ये चीज बताई कि जो ये यहाँ पे पिन बार बन रहा है, तो ये भी सेलर्स हैं यहाँ पे, तो इनको भी न्यूट्रलाइज करके करते हुए मार्केट जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ से लो से हाई तक, ठीक है, यहाँ से लो से हाई तक, तो अब क्या है, हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ से अगर इनको यहाँ तक मार्केट आया, करीब करीब 50% तो मार्केट ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो जिनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो हो सकता है वो एग्जिट कर गया हो, ये मान के चल रहे हैं। डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन के बाद हम इस लेवल तक एक ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, ट्रेडिंग सेटअप, तो ये सब चीजें क्लियर है, देखो इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। तो अब हम लोगों को ये प्राइस एक्शन रीड करना है। अब देखो ये डायरेक्ट, ये जो ना एक लेवल बन चुका था, अब इसका डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है, ये ऐसे डायरेक्ट ब्रेकडाउन कभी भी यहाँ पे सफल होते नहीं है। अगर यही ब्रेकडाउन अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के उसके बाद अपसाइड जा रहा होता, तो हम कह सकते थे कि हाँ ये ब्रेकडाउन सक्सेस होगा। देखिए अब ये यहाँ पे एक लेवल था,
यहां से मार्केट ने रिजेक्ट किया, दोबारा रिजेक्ट किया, डायरेक्ट ब्रेकडाउन की कोशिश, फिर नीचे से आके डायरेक्ट ब्रेकडाउन की कोशिश की, तो फिर क्या हुआ, नीचे चला गया। तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो अभी तक, कई लोगों ने मुझे पूछा था कि डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता क्या है। अब जैसे इस बात के लिए आप देखिए, तो पहली बात तो यहां से आप फिबोनाची लगा के देखिए, तो ये जो है एक प्रॉफिट बुकिंग है, ये प्रॉफिट बुक हो चुका है मार्केट में। तो ये क्योंकि ये बड़ी कैंडल है, प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स हैं, और मार्केट क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि ये 0.6% तक आएगा यहाँ पर मार्केट, राइट, 0.6% तक आएगा। तो अब यहाँ पे ट्रेड क्या है, ऐसी सिचुएशन को शुरुआत में ना लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे ट्रेड्स को मेंटेन करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये पहली कैंडल है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अब जब डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और उसके बाद भी अगर देखोगे यहाँ से अपसाइड का मिल गया आपको, तो करीब करीब क्या होगा, 0.60% यहाँ पे मार्केट इनका क्रॉस करेगा, तो हो सकता है आप यहाँ से एक बाइंग की कोशिश करोगे, है ना। तो आपका सेटअप क्या कह रहा है, आपका सेटअप क्या कह रहा है, निफ्टी क्या कह रहा है, मार्केट का ऑल ओवर सेंटिमेंट क्या है, वो सब चीजें देखने वाली है। आप ये देखिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में क्या सिचुएशन आई है, ठीक है। अब एक चीज देखता, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे बाइंग हुई है, तो मार्केट हल्का सा रिवर्स करता है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन भी हुआ है और ये मार्केट रिवर्स करता है, इनका तो प्रॉफिट यहीं पर निल कर देता है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ मार्केट में ना जब देखोगे तो करीब करीब इनका भी इतना प्रॉफिट होने के बाद, एक प्रॉफिट बुक के बाद, ये मार्केट अपने आप को यहाँ पे कुछ सेलर को एक्टिवेट करके ऊपर ही जाएगा। और एक चीज, ऐसी जगहों पे आपको क्या देखना है ना, जो पहला कैंडल है, पहला कैंडल कितना रिट्रेस किया है, जब ऐसा ब्रेकडाउन हो रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, ठीक है, अच्छी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, मतलब वो कैंडल जैसे ये कैंडल था, तो ये अगर 0.6% से भी नीचे है ना, बस इसी जगह से यहां से रिजेक्शन लेके फिर वापस एक ब्रेकडाउन देता है, तो ये एक ट्रिगर होता है, एक ट्रिगर होता है बाय साइड जाने का। ये चार्ट बन गया इसलिए नहीं, ये वाकई ऐसा होता है, ठीक है। चार्ट बनने के बाद सब कुछ आसान है, ठीक है। अब इतना बड़ा गैप है ये, आई होप गैप ही है, या चार्ट नहीं है या गैप है, तो जो भी है, तो खैर होपफुली आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे भी बात करेंगे, काफी चीजें अभी अधूरी हैं, कच्ची पक्की हैं। आप ऐसे ट्रेड मत कीजिए, अंधे में ट्रेड मत कीजिए, अपने सेटअप्स को मिला के ट्रेड कीजिए, देखते हैं और चीजें हम मतलब कैसे जोड़ सकते हैं, बहुत सारे डॉट्स हैं, उन डॉट्स को पहले कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। फिलहाल जो परसेप्शन हम बनाना चाह रहे थे कि कैसे आप मार्केट में ट्रेड करोगे, वो परसेप्शन बना चुका हूँ, आगे डॉट कनेक्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू।